लास्ट में शक्करकंद और भी टेस्टी किस तरह से बना के खाने, ये आज हम देखेंगे। आधा किलो मैंने शक्करकंद लिए है, यहाँ पे स्वीट पोटैटो बोलते हैं इसे। ये हाफ कप मैंने स्क्रैप नारियल लिया है, एक बड़ा चम्मच घी, दो चम्मच शक्कर और इलायची पाउडर। सबसे पहले हम स्वीट पोटैटो को अच्छे से छील लेंगे। इसमें बीच बीच में दाग होंगे, उसे हम छुरी से निकाल देंगे। छीलने के बाद हम इसे मीडियम साइज में टुकड़ों में काट लेंगे, बहुत पतले भी नहीं, बहुत मोटे भी नहीं, मीडियम साइज में इसे काट लेंगे। इसे हम अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें से मिट्टी और एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाए। गैस पर एक मोटे तले वाली कढ़ाई मैंने रख दी है। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी को इस तरह से डालिए ताकि साइड में चिपके ना, जो भी हम इसमें पकाने वाले हैं वो इसे चिपके ना, इसलिए इसे इस तरह से पूरी फैला दीजिए पूरी तरह से। घी ज़्यादा नहीं लेना है, एक चम्मच बड़ा चम्मच घी बस है। इसमें अब हमने ये धुले हुए जो स्वीट पोटैटो है काटे हुए, उसे हम इसमें डाल देंगे और एक मिनट तक इसे चलाएंगे। इसे पूरी तरह से घी लगना चाहिए, इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। शक्करकंद देखिए कलर बदल रहा है। इस पे हम एक से दो मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे, बीच बीच में ढक्कन खोल के चलाना भी है। देखिए दो मिनट बाद देखिए इन्होंने कलर भी चेंज कर दिया, इसका कलर कितना अच्छा आया है येलो। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आपको जितनी अच्छी लगती है उतना डालिए, मैंने दो चम्मच लिए हैं। देखिए कैरमलाइज हुआ है, बहुत अच्छे से होता है ये। इसमें जो इलायची है वो डाली है मैंने, इसे चलाएंगे। और जो स्क्रैप कोकोनट है, फ्रेश कोकोनट, उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से चलाकर फिर हम इसके ऊपर ढक के दो मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। बीच बीच में हम चम्मच से चलाते जाएंगे, दो मिनट ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए शक्करकंद बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और ये बहुत ही कोकोनट भी कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, उपवास में इसे खाया जाता है ज़्यादा करके। उबला हुआ शक्करकंद जो है वो इतना पसंद नहीं किया जाता है मेरे घर में, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही जल्दी बनता है, 7 से 8 मिनट इसे बनाने में लगते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है ये। देखिए कलर भी कितना अच्छा आ चुका है इसमें, बहुत ही टेस्टी। आप इसे ज़रूर बना के देखिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।